दोस्तों, मेरा नाम है मान्यवर संदीप। फिर आपके सामने द पोल कॉल टीवी से हाजिर हुआ हूँ। आप जानते हैं, आज भारत बंद है क्योंकि किसी के घर में खाने का सवाल है। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ? बाजारों में उग्र प्रदर्शन, हिंदुस्तान हर जगह बंद है, कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन सरकारों के कानों पर जू नहीं रेंग रही। आइए, एक छोटी सी हमारी पेशकश, क्या हालात हैं शहर के और दुनिया के, देखते हैं मेरे साथ। आइए, आपको ले चलता हूं इस बाजार के रुख की ओर। समर्थन मिलिया है, वो जंग बिल्कुल कहने जाबते रह के लड़ी गई है, कहने जाबते रह के असी अस्ताना शाही सरकार ने मजबूर किया, जेडी सरकार ने पूरे देश विच एक सहम का माहौल बनाया हुआ सी, सरकार के खिलाफ कोई बोलन नू तैयार नहीं सी। जो ये एक आस की किरण उठी है तो थोड़े पंजाब तो उठी है, तो हुण जन अंदोलन बन चुका है कि अस्ताना शाही सरकार नू कारे विल वापस लैण लई मजबूर किया जाएगा। हुण मैं बेनती करांगा कि कुछ नारे लगनगे स्टेज तों ते पूरे जोश नाल उसका आपां जवाब देना है। भारतीय किसान यूनियन नारे लाने, इस तरह फिर दोबारा एक बार गज के बोलना, वाहेगुरु जी का खालसा। मैं सुन नौजवान वीरां नूं बेनती करदा, जे किसानां दे पुत्तर हां, जे असी सचमुच इस किसान दे नाल अपने संघर्ष नूं बधाउण वास्ते आए हां, जे किसानां दे पुत्तर मानदे हां तां इक बहन दी कृपालता करनी, जे नहीं किसानां दे पुत्तर हां फिर खड़े होकर नारे लाई के असं एक तमाशा देखने वास्ते आए हैं। ये साडा वो हालात होए पे ने कि मामा दे पुत्त जिंदे ना मरना ते गवाए। दोस्तों, मैं मान्यवर संदीप कटोरपुरी थोड़े को हाजिर हो रहा हाँ मीनाक्षी चौंक तो। अच किला द्वारा रोज प्रदर्शन जारी है। वैसे तो अच्छ भारत बंद है, सारे ही व्यापारी भरा हर तरह का कोई किसी भी कितने सट्टे जुड़िया हुआ है। अच्छ भारत बंद की अपील है क्योंकि कुछ कानून जोड़े बनाए गए हैं वो किसानों के बड़े खिलाफ दसया जा रहा है। मेरे को इस सिलसिले में जलंधर के एक बड़े मशहूर, मैं इन्हों एक्टर ही कहाँगा, है तो वकील ने पेशे तो, पर इन्होंने वकालत के नाल नाल एक्टिंग के एक अपना अलग ही मुकाम हासिल किया। मेरी मुराद के लिए दसो भी अब चौंकी हो रहा है विचार है, क्योंकि मैं जानता कि कलाकार के नाल नाल एक अच्छी सोच ही रखते हैं। चैनल पूल पूल है, साढ़े वकील भी पूल ही पूल रहे। अज एक चीज़ देखी होगी कि शायद मोदी जी का यह बहुत वड्डी देन है कि पहली बारी कांग्रेसी अकाली कम्युनिस्ट आप आम जनता सारे इकट्ठे कर दिते। क्यों? क्योंकि ये कानून ही इस तरह के बना रहे हैं, या जिहड़ा पर्टिकुलरली जिहड़ा फार्म बिल हैगा आ, ये बेसिकली किसान की जड़ पट्टण वाली गल आ कि पहला तो जी फसल जाओ
फिर थोड़ी हौली हौली जमीन जाऊंगे। झूठ बोल रहे जो ये कहते कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गल कर रहे हैं तो सिर्फ फसल ही फस रही है भाई। फसल जो नहीं दे पा रहे हैं या बाकी नहीं दे रहे तो बंदे ने चुकना कितों, अपने कर्जे या अपन चीज़ा कितों देगा, अल्टीमेटली जमीन बेचनी पैनी या उन्होंने उन्होंने टर्म्स से चलना पैना। वो देखो दसो मेरे को चारा आया किसान को जो वो कोर्ट से जा नहीं सकता, जे एस डी एम कोर्ट्स या जिड़िया सरकारी महकमे दोर्ट्स है वो तो नैचुरली जितने जो कारपोरेट चाहेगा उही कर। मूंह जवानी मैं अज तुहानू कुछ भी कहां तुसी मान जाओगे जब तक कोई लिखत नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट क्यों लिखे जाते हैं, क्यों लिखत पढ़त होंगी है ना। मैं कह दवा तुसी मेरी जमीन के मालिक बन गए बन जाओगे जब तक मैं तुम्हें कागज नहीं लिखे थानू तुसी फॉर्म बिल्स क्यों लिया रहे। जो मूंह जवानी है तो फॉर्म बिल मूंह जवानी काम कर लो। तुसी किसानों का लिखित रूप से बनना चाहते हैं और किसानों जी अश्योरेंस ने इन राइटिंग नहीं लैके दे, क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि एम एस पी जिदन तुम कर दी उदन तुम फस गए, उदन थानू उस रेट मिनीम करना ही पैना, कारपोरेट को रेट मिनीम देना पैना। जे कारपोरेट देना पै गया तो फायदा की है लैंड का। एक थोड़ा यदा जो कानूनी पहलू है तुम एस डी एम के उपर अपील नहीं कर सकते, कोई भी जुडिशियल आस्पेक्ट नहीं देखने, उन्होंने लॉ नहीं देखना और वड्डी प्रॉब्लम उन्होंने ये होंगी है कि जो उत्तों आदेश आया या जिन्हें उन्होंने अप्रोच टाजना कर लिया उन्होंने बाउंड हो जाते हैं क्योंकि वो आप दे आर एट दी मर्सी ऑफ देयर सुपर बॉसेस, जो सरकार चाहेगी वो करेंगे नहीं तो मिनट के बच्चे ट्रांसफर हो जाएगी। सेकेंडली उन्होंने कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई एविडेंस सिस्टम नहीं है, कोई स्टेटमेंट सिस्टम नहीं है, किनू मनेंगे। कल सपोज ही कॉरपोरेट कहता भरा मैनू आ चीज चाहिए है, किदा हिम्मत होगी उस बंदे की उसके खिलाफ तुर पवे। सो ये गल बड़ी बड़ी सोची समझी ये फॉर्म बिल क्रिएट किए गए हैं। एक बार गिची चजना नप लो किसान कोई होर चारा ही ना रहे कि एक्सैप्ट के वो जमीन अल्टीमेटली बाद चाहू ही थोड़े बहुत हाले से फड़ाती जानिया उन्होंने कारपोरेट कारपोरेट फार्मिंग हुई। दिस इज द रीजन वे दे विल अल्टीमेटली गो, तो थोड़े को चारा नहीं होना। थानू उन्हें तुम जिस फसल लागत ला के तुम फसल खड़ी कर रहे हो वो लागत थानू में नहीं मिलनी, थोड़े को चारा मिल जाएगा, भुखे तो मरोंगे नहीं, जमीन बेचोगे। इसलिए नीरज कौशिक जी बड़े अच्छे विचार और बड़ी सुविपूझ तरीके उन्होंने दस्या वै कि आखिर का कानून है कि अगली कार्रवाई तुम फिर तो मिलते हैं। धन्यवाद।